प्लान की बेसिक तीन चीजें SSD क्या है, प्लान शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी डुप्लीकेबल। अगर बहुत लंबा होगा ना सिंपल रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उसमें हैवी वर्ड्स यूज नहीं करने। जैसे मैंने आपको बताया कुछ लोग फ्लेक्स बताते थे HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, वो ऐसे ऐसे मेडिकल टर्म्स बोलते थे। अरे भाई आदमी को बेसिक चीजें बताओ, उसको हमने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी बनाना है। क्या करना है, सिंपल चीजें बतानी है, बेसिक चीजें बतानी। सो आपका जो प्लान है दैट शुड बी शॉर्ट, दैट शुड बी सिंपल, दैट शुड बी डुप्लीकेबल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया आपकी टीम में जितने ज्यादा प्लान शो होंगे उतनी ज्यादा मोर प्लान शो लीड्स टू मोर ग्रोथ, मोर फील्ड वर्क लीड्स टू मोर ग्रोथ। अगर आपकी टीम में कोई प्लान ही नहीं दिखाता, क्या आपकी टीम ग्रो करेगी? अगर आपकी टीम में कम फील्ड वर्क होता है, क्या आपका बिजनेस ग्रो करेगा? ज्यादा, जितना ज्यादा फील्ड वर्क होगा, जितना ज्यादा प्लान शो होगा, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। फोकस किस चीज पे करना है? ऑन बिल्डिंग ह्यूज वॉल्यूम्स। लेवल पे फोकस नहीं करना। बहुत से लोग मैं देखता हूँ क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगले महीने यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी है, तो लोग क्या करते हैं, अगर कोई गोल्ड है वो प्रोडक्ट खरीद के कुछ ना कुछ करके सिल्वर बन गया, या सिल्वर जो है वो गोल्ड बन गया, या गोल्ड जो है अपना एक एक दो दो लेवल बढ़ा लिए, प्रोडक्ट खरीद लिए, कुछ कुछ भी कर लिया। अब किस लिए स्टेज पे गए, एक अवार्ड मिल गया, ये ट्रॉफी मिल गई, मान लो ये ट्रॉफी है, ये मिल गई, मिल के घर में लगा दी, अब इसमें से पैसे नहीं निकलेंगे ना। अगर आप उस ट्रॉफी को अगले दिन हिलाओगे तो उसमें से पैसा आएगा? नहीं आएगा। अब क्या है, मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड का बिल आया, तो क्रेडिट कार्ड के बिल को आप उस ट्रॉफी के सामने रख के ऐसे ऐसे रगड़ो तो वो उसमें पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो अवार्ड के पीछे नहीं भागना, अवार्ड अपने आप मिलेगा जब आप सही काम करोगे। डोंट मेक अवार्ड्स योर प्रायोरिटी। रिजल्ट के पीछे जाइए, रिजल्ट इज राइट एक्टिविटीज करोगे, रिजल्ट अपने आप आएगा। लेवल में क्या रखा है यार, देन हाउ मेनी LOB अर्नर्स? सिंपल, मुझे अपना चेक बढ़ाना। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मैं पहला सवाल उनसे पूछता हूं, तेरे को कितनी लाइन से LOB आती है? सपोज कोई क्राउन है 6 लाइन है, तो बोलेगा जी 4 लाइन। अब तो वैसे भी इस महीने से प्लान चेंज हो रहा है, सारा LOB का गेम है। वेरी गुड, मेरी 4 लाइन से LOB आती है। ओके, तेरे नीचे कितने लोग LOB ले रहे हैं? सपोज 4। अब मेरा पहली चीज जो मैं उसको सिखाता हूं कि अगर ये 4 लोगों आज LOB ले रहे हैं, इस ये 10 लोग में कब हो जाएंगे, यानी 10 लोग LOB कब लेंगे? सिंपल, हमारे प्लान की स्ट्रेंथ क्या है, हमारे प्लान में है मल्टीपल LOB। मल्टीपल मतलब मोर देन वन। सो आपको एक ही लाइन से आपकी टीम में जितने ज्यादा लोग LOB लेंगे उतनी ज्यादा आपको LOB मिलेगी। अगर वो लोग LOB ले रहे हैं, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस ले रहे हैं, उनका चेक अच्छा आ रहा है, ये सर नो, और उनका चेक अगर अच्छा आ रहा है तो उससे जितने लोग LOB लेंगे उतने लोगों से आपको LOB मिलेगी, तो आपका चेक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? शुरू के 2-3 साल में तक मैं ये बहुत करता था। मैं 20 तारीख से अपना नीचे नीचे डेप्थ में देखता था कि कितने लोग LOB ले सकते हैं। जैसे सपोज किसी का ऑलरेडी डेप्थ बन चुकी है LOB लेने के लिए, लेकिन उसकी विड्थ कम है, साइड वॉल्यूम कम है, तो मैं 20 तारीख से उसको बोलता था भाई अब साइड वॉल्यूम पे काम कर ताकि तू क्वालिफाई हो, तेरा LOB आए। किसी को देखता था, किसी का उस समय 90,000 बिजनेस वॉल्यूम में चलता था, तो 90,000 बिजनेस वॉल्यूम से LOB आती थी तब, तो अगर किसी का 70,000 है 23-24 तारीख को, तो मैं उसको बोलता था भाई ये 70 को 90 कर लियो। तो आई यूज टू मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा लोग LOB ले। इससे क्या होता था, उनके चेक अच्छे बनते थे और मेरे चेक में 1.5 से 2 लाख रुपए का फर्क पड़ता था। दैट इज व्हाट आई यूज टू डू शुरू के 2 से 3 साल। फिर टीम इतनी बढ़ गई कि फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाया, अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। सो आपकी टीम में LOB अर्नर कितने हैं? आपको पता होना चाहिए। पहली चीज, आप LOB अर्नर बनो, नंबर वन। नंबर टू, स्टेप नंबर टू, आपकी टीम में कितने लोग LOB ले रहे हैं? अगर 2 ले रहे हैं तो 5 बनाओ, 5 ले रहे हैं तो 10 बनाओ, 10 LOB ले रहे हैं तो 20 बनाओ, 20 ले रहे हैं तो 40 बनाओ, 40 ले रहे हैं तो 80 बनाओ, 80 ले रहे हैं तो 150 बनाओ, 150 ले रहे हैं तो 400 बनाओ। जितने लोग आपकी टीम में LOB लेंगे उतने वो ज्यादा पैसे कमाएंगे भाई, उतने आप पैसे कमाओगे। सो यू शुड नो वो नंबर्स क्या है, दैट इज व्हाट आपको वहां फोकस करना है। अंडरस्टैंड? गुड। yeah.